आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। बात करते हैं लखनऊ की, जहां एलडीए में नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन हुआ। आयोजन में मंडलायुक्त, डीएम और एलडीए वीसी समेत कई विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस आयोजन में हमेशा की तरह लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हुए थे। समाधान हुआ तो वहीं कुछ को निराश होकर लौटना पड़ा। आयोजन में पहुंची एक महिला ने आरोप लगाया कि एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने उसे बिना सुने ही सुनवाई स्थल से बाहर निकाल दिया। कई लोगों ने यह भी कहा कि एलडीए वीसी का व्यवहार ठीक नहीं है। इस कार्यक्रम में जानकीपुरम के सेक्टर एच के कई निवासी भी पहुंचे, जिन्होंने मंडलायुक्त के सामने पार्क में शव जलाने की बात कही है। हमारी समस्या ये है कि यहाँ एलडीए ने जो है 2002 में हम लोगों को जो है जमीन दिया था, एलडीए का प्लाटिंग हुआ था, उसमें हम लोग आवंटी हैं वहाँ के। वहाँ पार्क बनाया गया है और उस पार्क में लाश जलती है। लाश गांव वाले ले आते हैं, जलाते हैं, हफ्ते में 2-3 बार जलाते हैं, धुआं उठता है, बच्चे डरते हैं, औरतें घर में चली जाती हैं, वो लोग भारी मात्रा में लाठी डंडों के साथ आते हैं, लड़ने झगड़ने को तैयार रहते हैं। इसलिए हम लोग जो है यहाँ आए थे अपनी बात रखने के लिए। मैम से रखे हैं, सर से भी रखे हैं, आश्वासन तो सर 15 साल से मिल रहा है, लगातार मिल रहा है कि जगह चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन आज मैम ने थोड़ा आश्वासन हम लोगों को दिया है कि ये हटेगा और निवारण होगा। एलडीए वीसी तो अभी तक तो नहीं कुछ कहे, लेकिन आज कह रहे हैं कि आपका जो है आपके उनके समस्या का समाधान हम करेंगे और आपके लिए हम लोग 2-3 महीना से लगातार प्रयासरत है। एलडीए वीसी को तमाम पत्राचार करने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग आज मंडलायुक्त से जनता दिवस में मिले और मंडलायुक्त को सारी बातों से अवगत कराया कि पिछले 15 सालों से लगातार इनसे पत्राचार किया जा रहा है और जो पार्क के अंदर सौदा किया जाता है उसे जमीन को शिफ्ट करने के लिए, अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए और वहां पे जो दाह संस्कार हो रहा है उसको बंद करने के लिए। मंडलायुक्त ने धैर्यपूर्वक सारी बातों को सुना है और मंडलायुक्त इस बात पर नाखुशी जाहिर की एलडीए के ऊपर कि जब पिछले 15 साल से आवंटी परेशान थे, उस समय लोग भी कम आए हुए थे तो आसानी से जगह मिल सकती थी और लेकिन एलडीए ने नहीं किया, तो उन्होंने इनिशिएट पर्सनली लिया है कि मैं इसको जो है लगाती हूँ, जो उचित लोग हैं, अधिकारी हैं और कि ज़मीन ढूंढने का और इसको बातचीत के समझौते के आधार पर मैं जल्दी से जल्दी जो है इसको अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। उन आशा देने पर ही हम लोग भी आशान्वित हुए हैं और इसलिए आज उनके कहने पर जा रहे हैं, लेकिन पुनः मैं एलडीए को ये कहना चाहता हूँ कि यदि इसके बाद भी काम नहीं होते हैं, अन्यथा स्थानांतरित नहीं होते हैं, तो हम सभी आवंटी धरना प्रदर्शन से लेकर आत्मदाह करने का भी कोशिश करेंगे। मैं नेहरू इंटी की समस्या लेकर यहाँ पर 2 साल से लगातार आ रही हूँ। 4 नागरिक सुविधा दिवस इन्होंने किए जिसमें से एक हो नहीं पाया और हर बार मुझे आश्वासन दिया, खुद बीसी साहब ने लिखा कि नेहरू इंक्लेव में हम पार्क सड़क रोड बनवा के देंगे। ये कॉलोनी 30 साल पुरानी थी और एलडीए ने 804 फ्लैट बनाए हैं और एक भी पार्क, 18 साल से मैं रह रही हूँ, आज तक एलडीए ने यहाँ पर बना के नहीं दिया जिसमें बच्चे खेल सकें। और आज अब कह रहे हैं कि सारा पैसा G20 में खत्म हो गया, तो हम नेहरू क्लब निवासी कूड़े घर में रहेंगे? सड़क सारी टूटी पड़ी है, पार्क में एक झूला नहीं है, ना एक जिम है, बाउंड्री वॉल प्रॉपर नहीं है, झाड़ू नहीं लगती, कूड़ा घर फन के पीछे बना रखा, हमारे घर के आगे कूड़ा नगर निगम डालता है और हमको आज धमकी दे रहे हैं कि आप यहाँ पर चली आती हैं क्या, हम खाली बैठे हैं या पिकनिक बनाने आते हैं? कोई सुनवाई हमारी किसी चीज़ की नहीं सुन रहे हैं। हमसे बीसी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा G20 में खर्चा हो गया, जब इन्होंने हमको फ्लैट बेचे थे वो पैसा हमारा कहाँ गया, उस पैसे का कहाँ खर्चा किया इन्होंने? 804 फ्लैट जो एवंटियों ने पैसा दिया था उसमें इन्होंने सामुदायिक केंद्र, इन्होंने हमको वादा जो किया रोशन में, उन्होंने कहा स्विमिंग पूल बना के देंगे, प्राइमरी स्कूल बना के देंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के देंगे, सड़कें बना के देंगे, रोड बना के देंगे और नेहरू क्लब को एक कोड़ बना के रख दिया, कोड़ में खा जे कहते विवादित तो इन्होंने बना रखा है। बिल्डिंग देखिए पुष्पायन 35 बिल्डिंग धाराशाही हो रही है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। मैं हर बार आ रही हूँ, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप ये देखिए पूरा रिकॉर्ड है, हर बार मैं इनको दिखाती हूँ, हर बार ये मैं देती हूँ कागज और हर बार ये लिख देते हैं, आज कह रहे हम नहीं करेंगे, कल कहते हम करेंगे, ये अपनी बात पर ही आमादा नहीं है, कभी इनको करना है कभी नहीं करना है। कमिश्नर मैडम से उम्मीद थी, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि सड़कें बनवा देंगे, बाहर बीसी साहब कह रहे हैं कि हम अब
ये नहीं करा सकते, वो नहीं, हमने बाउंड्री वॉल बना दी। बाउंड्री वॉल आप आके देख लीजिए, कहीं 28 बनाइए, कहीं 38 बनाइए, दरवाजे लगाए हैं, हमने कुंडी नहीं लगाई है, जगह छोड़ दिया है। और किस तरह का काम हो रहा है एलडीएम में वो आकर सब लोग देख सकते हैं। और यहाँ बुलाकर हमारा तमाशा बनाया जा रहा है, केवल कोई काम नहीं कराया जा रहा, और केवल आश्वासन देकर दोबारा मजबूर करते हम लोग आते हैं और नहीं होता। कभी कभी ये शिकायतें आती हैं कि जिस व्यक्ति के नाम आवंटन है उस व्यक्ति का कब्जा ना होकर कोई अन्य व्यक्ति उस पर काबिज हो गया है। ऐसी शिकायतों पर सरकार का बहुत स्पष्ट और गंभीर है। सरकार किसी भी तरह के माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने में संकोच नहीं करती, और कोई भी जो अवैध कब्जे धारक हैं उनको हम लोग चेतावनियाँ देते भी हैं और आज भी दी गई है। कोई भी अवैध रूप से किसी दूसरे की संपत्ति को हड़पने की कोशिश ना करे, क्योंकि इसमें बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग करें। अब बात करते हैं उस खबर की जो कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां लखनऊ के बीबीडी स्थित एसआर ग्लोबल स्कूल में 8वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रिया राठौर की मौत की गुत्थी अब तक लखनऊ पुलिस सुलझा नहीं सकी है। पीड़ित पिता जसराम ने बताया कि घटना को आज एक महीने हो चुके हैं और अब तक जाँच को हादसे का नाम देकर सबके समक्ष रखा गया। साथ ही उनका कहना है कि वो दूसरी बार शासन से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा और आग्रह कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी का भी जवाब नहीं आया है। उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार न बनाते हुए अपनी तरफ से रिपोर्ट को तैयार की है, और कहीं ना कहीं पुलिस सत्ताधारी पार्टी के एमएलसी के दबाव में असल जांच को सामने लाने से कतरा रही है। इसलिए उन्होंने अब केवल सीबीआई जांच पर भी भरोसा किया है, और शासन ने उन्हें ये उम्मीद है कि उनके द्वारा किए गए निवेदन को सरकार जल्द ही सुनेगी। पुलिस व फॉरेंसिक टीम जो है पवन सिंह के दबाव में काम कर रही थी, आत्महत्या की और उनके बताए हुए आत्महत्या की ओर ले जा रही थी केस को, जिसको जिस पर मैंने मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और राज्यपाल महोदय को पत्र लिखकर सारी घटना एवं सत्यता से अवगत कराया और सीबीआई की जांच के लिए दिनांक 13 फरवरी 2023 को एक पत्र लिखा था। इसी बीच पुलिस डीसीपी महोदय से हम मिलते रहे, जिन्होंने हमारा फ़ोन एक घंटे के लिए लिया था लेकिन अभी तक नहीं दिया, जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। और मैंने कई प्रश्न किए, मतलब सवालों के जवाब मांगे, तो उन्होंने केवल स्कूल की तरफ दलीलें देते हुए नज़र आए और मामले को गोलमोल करते रहे और आत्महत्या की ओर खींचते रहे। इसी बीच में फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की रिपोर्ट भी आ गई, तो उसमें बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन और रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाले जॉइंट का कुछ खुलासा नहीं है, जिसकी वजह से रिपोर्ट क्लियर नहीं बन पा रही है। तो उन्होंने पवन सिंह के दबाव में ये रिपोर्ट भी भ्रमित कर दी, जिसके लिए हमने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को भी जांच के लिए पीएम रिपोर्ट में और फॉरेंसिक रिपोर्ट में गड़बड़ी होने के लिए ये पत्र लिखा है। और अब आज जब अभी तक न शासन की ओर से कोई सीबीआई कार्रवाई हुई न कुछ हुआ, तो मैंने फिर से प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल आयोग को दोबारा से आज स्मृति पत्र दिए हैं और सीबीआई की मांग की है। और बगैर सीबीआई के पुलिस ने सारे सबूतों को खुद ही नष्ट करवा दिया है, आत्महत्या के सबूतों को रखा के बैठी हैं, उन्हीं को कलेक्ट किया जा रहा है। बगैर सीबीआई के अब हमारा न्याय मिलना संभव नहीं है। सरकार से अपील है कि हमारी सीबीआई जांच ही कराएं, जिससे कि हमें न्याय मिल सके। पीएम से लेकर सीएम तक, शासन से लेकर प्रशासन तक, एक मजबूर पिता दौड़ लगाता है, पत्र भेजता है इंसाफ के लिए। बीते 21 जनवरी को एसआर ग्लोबल स्कूल में प्रिया राठौर, जिसकी उम्र तकरीबन 14 साल थी, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लगातार सुर्खियों का जो बाजार है वो गर्म हो जाता है। मौत की न्याय की गुहार में प्रिया राठौर के पिता कई बार लखनऊ पुलिस से गुहार लगाते हैं और कहीं ना कहीं एक सत्ताधारी पार्टी के रसूखदार पर आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से पुलिस इसमें इस केस पर काम नहीं कर रही है और किस केस को एक नया मोड़ देने में लग गई है। प्रिया के परिजन जसराम का फ़ोन कब्जे में ले लिया जाता है फॉरेंसिक के लिए। उसके बाद अब तक तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं, उनके फ़ोन की वापसी नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने फिर से
पीएम, सीएम, महिला आयोग और तमाम जो ऐसे लोग विभाग हैं उनको पत्र लिखा है और उनसे न्याय की गुहार कही है। और ये भी साफ साफ आरोप लगाया है कि उसकी उनकी बेटी की मौत में कहीं ना कहीं मौत की जो गुत्थी है वो स्थानीय पुलिस से सुलझ नहीं पाएगी, तो इसमें कुल मिला के सीबीआई की तरफ से जांच कराई जाए और असल सच्चाई सामने आ पाए। कैमरामैन सुधीर के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी लखनऊ। इन खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।